नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सिन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। चलिए ले चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। दिल्ली के बाद नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। नोएडा के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा के स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का सवाल, यूपीएमपी को 48-40 लाख डोज, हमें सिर्फ 17 लाख क्यों? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आरोप लगाया कि हमें सिर्फ हफ्ते में 17 लाख कोरोना वैक्सीन डोज मिली है, जबकि यूपी को 48 लाख, एमपी को 40 लाख और गुजरात को 30 लाख वैक्सीन डोज दी गई। देहरादून का स्कूल बना रेड जोन, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू, एमपी के शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन। पूरे देश में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को 1.25 लाख केस रिपोर्ट किए गए। महासंकट के बीच मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, जबकि यूपी में भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली के सरकारी सेंटर पर वैक्सीन लगाने वाली नर्स से निकली कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से गुरुवार को हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां वैक्सीन लगाने वाला वैक्सीनेटर ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कानपुर लखनऊ के बाद गाजियाबाद में भी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर के बाद गाजियाबाद में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने सभी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर को आगामी 17 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए अमेरिका अफ्रीका से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाएगा भारत। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में लाने और सऊदी अरब के मनमाने तरीके से कच्चे तेल कीमतें ऊंची बनाए रखने के बचाव के लिए सरकार अमेरिका और अफ्रीका से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाएगी। इसके लिए यह निर्देश भी दिए गए हैं। गोड्डा दिल्ली के बीच आज से दौड़ेगी हमसफर स्पेशल ट्रेन। रेलवे आज झारखंड को बड़ी सौगात देने जा रहा है। दरअसल आज से गोड्डा से दिल्ली के लिए हमसफर स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू करने वाला है। मुख्यमंत्री पीयूष गोयल इसे हरी झंडी दिखाएंगे। चुनाव में अब ओवैसी की परीक्षा, मुस्लिम बहुमत सीटों पर AIMIM कैंडिडेट उतारे गए। पश्चिम बंगाल की महज 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कोरोना पर पंजाब सरकार एक्टिव, सीएम अमरिंदर सिंह का निर्देश, रोजाना 2 लाख लोगों को लगे टीका। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान बुधवार को राज्य में उच्च सकारात्मकता और मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब में 85% से अधिक मामले ब्रिटेन स्ट्रेन के हैं, जो अधिक संक्रामक और विषाणुजनित है। जींद में केजरीवाल बोले, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार, एलजी की ताकत पर केंद्र का घेरा। केजरीवाल ने आगे कहा, मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार वाले संसद में एक बिल लेकर आए, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सजा दे रहे हैं। दिल्ली में चुनी सरकार की बजाय सारी ताकत एलजी को दे दी है। रोहतक में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प, कई घायल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा के पिता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। शहर की पुरानी ITI ग्राउंड में इस सभा का आयोजन किया गया था। किसानों को मुख्यमंत्री के रोहतक आगमन की जानकारी मिली तो काफी संख्या में इकट्ठा होकर वे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ पहुँच गए। रघुवंश बाबू को अपमानित करने वाले मधुबनी कांड पर ओवर रिएक्शन दे रहे सुशील मोदी का RJT पर हमला। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि आज वे जिस समाज के लोगों की हत्या हुई पर दुख जता रहे हैं, उसी समाज के लोगों को उन्होंने पूर्व में अपनी पार्टी से अपमानित किया है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत, मुंबई में शॉर्टेज, सतारा, सांगली, चंद्रपुर में स्टॉक खत्म। एक ओर केंद्र सरकार महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर टीकाकरण को और तेज करने की बात कर रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। महाराष्ट्र अब कोरोना के साथ ही वैक्सीन संकट का सामना कर रहा है। दिल्ली मेट्रो में सख्ती तेज, मास्क न पहनने पर फ्लाइंग स्क्वाड फौरन थमाएगा चालान। गलत तरीके से मास्क पहनने यानी नाक और मुंह न ढके होने पर भी फ्लाइंग स्क्वाड चालान थमा सकते हैं। चालान काटने पर यात्री को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। बंगाल में BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, EC ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। दिलीप घोष के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो में दिलीप घोष हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। इस हमले में दिलीप घोष जिस कार में बैठे थे उनका कांच टूट गया है। PM मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, कहा टीके से हराएंगे वायरस को। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पौंडुचेरी की सिस्टर P. निवेदा ने ही दी। उनके साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा मौजूद रही।
खर्चा पे भी हो चर्चा, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर कटाक्ष। कहा गाड़ी में तेल भराना भी किसी परीक्षा से कम नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में उन पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि खर्चा पे चर्चा भी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का गंभीर आरोप, कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने के बाद भी रैलियों में प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना पीड़ितों की संख्या छिपा रही है और राज्य में कोरोना के पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही। वैक्सीन पर हाहाकार, उड़ीसा में स्टॉक खत्म होने की वजह से बंद करने पड़े 700 सेंटर्स। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद अब उड़ीसा से भी वैक्सीन की कमी हो गई है। हालात इतने खराब है कि उड़ीसा में वैक्सीन की कमी के कारण 1400 में से 700 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा। कोहली ने चक दे स्टाइल में दी स्पीच, मुंबई के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को दिया मंत्र। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली एक हफ्ते तक क्वारंटीन में रहने के बाद बुधवार को टीम के ट्रेनिंग सेशन से जुड़े। कोहली ने शुक्रवार यानी 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले खिलाड़ियों को स्पीच दी। IPL के 14वें सीजन के लिए तैयार है मोहम्मद सिराज, बताया क्या है उनका सपना। मोहम्मद सिराज कड़ी मेहनत करने और मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार है, जिससे कि भारत के लिए सबसे अधिक विकेट चटकाने वाला गेंदबाज बनने के अपने सपने को साकार कर सकेंगे। सानिया मिर्जा 4 साल बाद टॉप्स में ओलंपिक के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को बुधवार को 4 साल के बाद सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स में शामिल किया गया। कई ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां जीतने वाली 34 साल की सानिया ने चोट के कारण 4 साल पहले 2017 में टॉप्स योजना से हटने का फैसला किया था। कोरोना विस्फोट के बीच टाइगर ने खत्म किया हीरोपंती 2 का शेड्यूल, सेट से फोटो वायरल। हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है। उनकी पहली फिल्म ने एक्टर के करियर को ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। मालूम हो कि हीरोपंती 2 की शूटिंग को गोपनीय रखा गया था। बेहद शांति से डायरेक्टर अहमद खान ने मुंबई में टाइगर की शूटिंग को लगभग 2 सप्ताह में पूरा कर लिया। सोनू सूद की सरकार से अपील, 25 साल से ऊपर सभी को लगे कोविड वैक्सीन। सोनू ने अपने ट्वीट में सभी के लिए कोविड वैक्सीन खोलने की बात नहीं की है, लेकिन एक्टर ने इतना जरूर कहा है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को टीका लगा देना चाहिए। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहे एच से न्यूज़। धन्यवाद।